हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ बहुत ही सिंपल और बेसिक वार्म अप्स ट्राई करने वाले हैं, स्ट्रेचेस जो किसी भी उम्र में कोई भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बड़े आसन नहीं कर सकता, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकता, तो ये सिंपल स्ट्रेचेस ज़रूर प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए शुरू करें। और शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस को आप कहीं पर भी कर सकते हो, फ्लोर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपसे फ्लोर पे नहीं बैठा जा रहा है तभी आप प्लीज़ बेड पे बैठिए, ठीक है। अपने दोनों पैरों को ऐसे आप आराम से फ्लोर पे रख सकते हो ताकि आपको, अगर वज्रासन या सुखासन नहीं बैठ सकते हो तो आप इस पोस्चर में बैठ सकते हो। अगर आप सुखासन में बैठ सकते हो तो सुखासन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। बहुत ही सिंपल, बस इतना ध्यान रखें कि आप सांस को अंदर और बाहर अच्छे से लीजिए। जैसे आप सांस अंदर भरोगे तब अपने नेक को राइट साइड पे ड्रॉप करना है और सांस को बाहर करते हुए लेफ्ट साइड। शोल्डर को मूव ना करें। इनहेल करते हुए राइट साइड और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। आप अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच को यहाँ पे फील करोगे। इनहेल करते हुए राइट साइड और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। एक और बार सांस को अंदर लेते हुए राइट साइड और सांस को बाहर करते हुए लेफ्ट साइड। अब हम गर्दन को पीछे और सामने की ओर मोड़ेंगे। सांस को अंदर लेते हुए पीछे, बाहर छोड़ते हुए अपने चिन को अपने चेस्ट के पास ले आना है। ध्यान रहे कि आपका जो शोल्डर है वो मूव नहीं करेगा। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल नीचे। जितने आराम से कर सकते हो उतने आराम से करें। इनहेल और एक्सहेल। एक और बार इनहेल और एक्सहेल। अभी एक और कंप्लीट रोटेशन करना है। पहले अपने सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे करें, फिर अपने साइड में मोड़ते हुए गर्दन को पीछे और दूसरी ओर साइड से नीचे। इसे हम रिपीट करेंगे 3 बार। और शोल्डर्स को बिल्कुल मूव ना करें। दो बार और। अब जितने स्लो मूव करोगे उतना आप स्ट्रेच फील कर पाओगे। एक आखिरी बार एक्सहेल करते हुए नीचे। यहीं से हम दूसरी ओर सेम स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर अपने गर्दन को मोड़िए। एक और पीछे और दूसरी ओर, फिर चिन डाउन। आप अपने पूरे अपर शोल्डर में भी स्ट्रेच फील कर सकते हो। आखिरी एक और बार आपको ये स्ट्रेच कंप्लीट करना है। एक्सहेल करते हुए सेंटर। ये था आपका कंप्लीट नेक रोटेशन। आपको फील हो रहा होगा कि आपका नेक में काफ़ी एक लाइटनेस फील होगी आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे शोल्डर की ओर। बहुत ही आसान है। अपने शोल्डर को सिर्फ ऊपर और नीचे आपको मूव करना है। जैसे आप सांस को अंदर लोगे तो शोल्डर ऊपर जाएगा, सांस को छोड़ते हुए शोल्डर नीचे, शोल्डर ऊपर और शोल्डर नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। एक और बार इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखिए और हम अपने ही शोल्डर को कंप्लीट रोटेशन करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए दोनों कोनियों को एक साथ ले आइए और ऊपर से एक बड़ा सर्कल बनाना है आपको कोनियों के साथ।
जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो प्रैक्टिस कीजिए। चार, एक और बार, ये हो गया पांच। अब इसी चीज़ को हम दोबारा ऑपोजिट साइड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, एक और आखिरी बार पांच। इससे आपके कंधों में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्री फील होगा, लाइट फील होगा, इसे आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं रिस्ट रोटेशन। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे कोनियों के पास रख लीजिए। अगर आप पैरों को सीधा रखे हो तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टायर्ड ना हो, इसीलिए हम हाथ रख रहे हैं इस ऐसे कोनों के ऊपर। दोनों हाथों से ऐसे उंगलियों को बंद करना है, फिर आपको रोटेट करना है। वन, टू, जितना धीरे हो सके उतना। थ्री, फोर, फाइव, अब इसी चीज़ को ऑपोजिट साइड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स। अभी हम स्ट्रेच करेंगे अपने एंकल्स को। यहाँ पर आपको पैरों को सीधा रखना ही होगा। दोनों हाथों को जो है ऐसे आप थोड़ा पीछे रख लीजिए, ताकि आपकी जो पीठ में है वो ज़्यादा आपको दर्द ना हो, आप कंफर्टेबली ऐसे बैठ सकते हो। अभी दोनों पैरों से आपको जो अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उनके द्वारा कंप्लीट स्ट्रेच करते हुए पैरों को ऐसे घुमाना है। जितना आप स्लो स्ट्रेच करोगे आपको उतना ज़्यादा फील होगा, और जितना स्लो प्रैक्टिस आप करोगे तो टायर्डनेस भी कम होगी, आप थोड़ी देर तक ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके घर में ऐसा कोई उम्र वाले हैं जिसको आपको लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए और उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्या करें, ये एक बेसिक स्ट्रेच है। अब इसी चीज़ को हम दोबारा ऑपोजिट साइड करेंगे, एंकल स्ट्रेच। व्यायाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कर रहे हो या फिर कौन से आसन कर रहे हो, अगर आप बेसिक भी करोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी इसके बाद अपने जो पैरों की उंगलियों हैं, उंगलियों से आपको स्ट्रेच करना है बाहर की ओर और अंदर की ओर। कुछ इस तरह से आप स्ट्रेच करते हुए टोस को बाहर करोगे तो यहाँ पे आपको एक टाइटनेस फील होगा, ठीक है, वो आपको फील करना है। फिर इनहेल करते हुए अंदर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और इनहेल। ये थे बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल स्ट्रेचेस। इसे आप किसी भी उम्र में, कहीं भी, किसी भी समय आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जो बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर सकते। इससे आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्री फील होगा। जो टाइटनेस होती है शोल्डर की, नेक की और अपने रिस्ट की, वो आप काफ़ी हद तक आपको फील होगा कि धीरे धीरे आप हर दिन प्रैक्टिस करते हुए वो टाइटनेस कम होगी। और अगर बहुत कोई बिगिनर है जो योगा स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो वार्म अप है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको कैसा लगा इसे ज़रूर कॉमेंट में लिखिए। थैंक यू।